नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में बिजली दरों में 24.10% बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद बिहार वासियों को पर यूनिट 1.67 पैसे अधिक देने पड़ेंगे। अब 100 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले कस्टमर को 147 रूपए चुकाने पड़ेंगे। फिक्स चार्ज भी अब दोगुना कर दिया गया है। भारत ने गुरुवार को कहा है कि विश्व को पाकिस्तान से लोकतंत्र और मानवाधिकार पर सीख लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद और हिंसा का पोषक है। वहां आतंकवादी फूलते फलते हैं और सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में भारत की ओर से राजनयिक डॉक्टर पीआर तुलसीदास ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह भारत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से 20 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये विस्फोटक ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस से 4 बैग में मिले हैं, जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वह पता लगा रही है कि ट्रेन के अंदर आखिर ये बैग कैसे आया, क्या किसी साजिश को अंजाम देने के लिए इन्हें ट्रेन में लाया गया था। देश के 14 राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइंस बनाए। 14 पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। खास बात यह है कि इन 14 पॉलिटिकल पार्टियों में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। राजधानी पटना में राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन हुआ है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक इस खेल का आयोजन 22 मार्च से 25 मार्च तक कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजन होगा। वहीं इस आयोजन में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय की भी मौजूदगी रही। लोकतंत्र में गुरुवार को विनियोग विधेयक को 9 से भी कम मिनट में पारित कर दिया गया। इस बिल पर सदन में कोई बहस भी नहीं हुई। इस बिल के पास होने के साथ ही केंद्र सरकार का अगले वित्तीय वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। फर्जी डिग्रियों के आधार पर राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की हुई बहाली के मामले की जाँच को लेकर दायर किए गए की लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष निगरानी विभाग ने हलफनामा दायर किया और बताया कि 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फाइल नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने आधार और राशन कार्ड जोड़ने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब दोनों को लिंक करने का समय 30 जून तक मिलेगा। इस तारीख तक प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि अभी तक आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 28-29 मार्च को जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी करने को लेकर बोर्ड ने आज इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बोर्ड ने टॉप 200 के वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली बोर्ड कार्यालय बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम काशी 1,780 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, जिसमें सौर और ऊर्जा परियोजना भी शामिल है, जिससे जलकर विभाग का करीब 30% बिजली का बिल कम हो जाएगा। आधार कार्ड में पहचान व पते को अब 14 जून 2023 तक निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया है कि जिन लोगों ने पिछले 8-10 वर्षों में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया, उन्हें अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। फिलीपींस और मोरक्को ने अपने यहां भारत जैसे अपने नागरिकों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर यानी एक तरीके से आधार सिस्टम को अपनाने जा रहे हैं। वे ऐसा करने वाले विश्व में पहले देश भी बन गए हैं। दोनों ही अपने यहाँ भारतीय आधार सिस्टम के ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर को लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावे 8 से 10 देश ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ इसे लागू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। जिन देशों ने इस आधारयुक्त तकनीक को अपनाने की इच्छा जताई है, उसमें नेपाल, सिंगापुर, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, केन्या और श्रीलंका देश भी शामिल है। हिंदी बंगाली फिल्मों के फेमस डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन हो गया। उनकी उम्र 68 साल थी। वे पिछले काफी समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और उनका डायलिसिस भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात 2:30 बजे के आसपास उन्हें दिक्कत महसूस हुई थी। डॉक्टरों की काफी कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका और रात के 3:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। पहले से ही महंगाई के बोझ से दबे मिडिल क्लास को अब महंगी सीएनजी से झटका लग सकता है। दरअसल गेल पाइपलाइनों के लिए टैरिफ में इजाफा होने जा रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने 22 मार्च को कहा है कि गेल की नेचुरल गैस पाइपलाइनों के लिए टैरिफ का शुल्क बढ़ाकर 58.61 रूपए प्रति MMBTU हो जाएगा। यह टैरिफ 45% अधिक है। 1 अप्रैल 2023 से यह प्रभावी हो जाएंगे।
विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। विजय चौक पर पहुंचने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। उन्होंने संसद में अडानी से संबंधित मुद्दा रखा, क्या ये गलत है? आज राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो देश में एक दिन तानाशाही आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना भी अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना ही यूएपीए के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। हवाई यात्रा के बाद अपने ट्रिप बुक करने में परेशानी को देखते हुए उबर ने नई सुविधा की पेशकश की है। इसके तहत अब हवाई यात्री राइड को प्री बुक करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के जल क्षेत्र में 240 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने और दुनिया में सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाने के प्रयास करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। शेखावत ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए स्वच्छ जल तथा स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत में किए जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों तथा प्रयासों का रेखांकित किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से प्रेस को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि मैं डायरेक्टर आनंद कुमार के साथ अपने जीवन की कहानी साझा नहीं करना चाहता हूं। उसने ऐसा कहा है कि मेरी टीम एक अच्छे डायरेक्टर के संपर्क में है, आप इस मामले में अपना समय खराब नहीं करें। भारत पे के को फाउंडर असनीत ग्रोवर ने एक नया क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पेश किया है। ग्रोवर ने यह ऐप ऐसे समय में पेश किया जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल एक हफ्ते में शुरू होने वाली है। बता दें कि ग्रोवर ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पारित कर दिया। इससे प्रदेश के वकीलों को संरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। इस बिल के पारित होने के बाद से अब किसी वकील से मारपीट को गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। इस बिल के पारित होने के बाद से अब किसी वकील से मारपीट को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इस विधेयक की मांग वकील काफी पहले से कर रहे थे। बिल के पारित होने से वकीलों में खुशी की लहर है। बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। अभी तक GMVN हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग करता था, जिसमें 70% टिकट ऑनलाइन और 30% टिकट काउंटर से ऑफलाइन बुक किए जाते थे। प्रदेश सरकार ने GMVN से अभी यह काम हटाकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC को सौंप दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी पोस्टर विवाद को लेकर गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आप पार्टी के नेता और वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई आप नेता गोपाल राय ने की है। वही प्रदर्शन के दौरान आप नेता गोपाल राय ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। गोपाल राय ने कहा कि देश में एक नया मंजर पैदा किया जा रहा है, एक पोस्टर लगाने पर 136 FIR दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, MD साकिर हुसैन, रवि शंकर, नौसाद अंसारी, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, त्रिलोक कुमार, विजय सिंह, बिट्टू कुमार राज। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना कितना उचित है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।